मंगल मैत्री भैया बहनों, आज की संस्कृत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि अभी आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं संपन्न हुई हैं, तो उसके बाद पुनः एक बार हम लोग नए एक पाठ का अध्ययन आरंभ करते हैं। आज का जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं, उस पाठ का शीर्षक है चतुरह शशह। आप यहाँ पर ये पाठ का नाम और चित्र देख रहे हैं। चतुरह अर्थात चालाक, शशह अर्थात खरगोश, चालाक खरगोश। तो इस पाठ में हम इस चालाक खरगोश के बारे में पढ़ेंगे। संभवतः ये कहानी आपने हिंदी में पहले से सुन रखी होगी, पढ़ रखी होगी, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। इस पाठ की हिंदी आपको अच्छे से समझनी है। एकम वनम अस्ति, एक जंगल है। वनम कहते हैं जंगल को, एक जंगल है। तत्र एकः सिंहः निवसति। तत्र माने वहां, वहाँ एकः सिंह, एक शेर, निवसति रहता है, वहाँ एक शेर रहता है। सः अतीव क्रूरः, वो जो शेर है वो अतीव बहुत ज़्यादा क्रूर यानी निर्दयी है ना। जो जंगल में रहने पशु है उन्हें मार के खाता है, बहुत ही कठोर है जो शेर। सः प्रतिदिनम एकम मृगम खादति, वह प्रतिदिन एकम मृगम, एक हिरण या मृगम, पशु शब्द में भी इसका अर्थ आप ले सकते हैं, वह प्रतिदिन एक पशु को खाता है। एकदा सिंह अतीव क्षुधितः भवति, एकदा एक बार सिंह शेर अतीव क्षुधितः, बहुत क्षुधिता माने भूखा था, एक बार शेर बहुत भूखा होता है। तदा तत्र एकः शशः आगच्छति, तब, तदा माने तब, तत्र वहाँ, तब वहाँ एकः शशः आगच्छति, एक खरगोश आता है। शशः माने खरगोश। सः अतीव चतुर है, वह बहुत चतुर है, जो खरगोश है बहुत चालाक है। सः सिंहं पश्यति भीतः च भवति, वो जो खरगोश है सिंहं पश्यति, शेर को देखता है, भीतः च भवति, और डर जाता है, उसको डर लगता है शेर को देखकर। सिंह शशम पृच्छति, सिंह सशस्य समीपम आगच्छति, शेर सशस्य समीपम, खरगोश के समीप मतलब पास आगच्छति आता है, शेर खरगोश के पास आता है। तम खादितुम तत्परः भवति, तम उसको यानी खरगोश को, खादितुम खाने के लिए, तत्पर है भवति, तत्पर होता है, तैयार होता है, उसको खाने की तैयारी करता है। तदा शशह रोदनम करोति, तब शशह यानी खरगोश रोदनम करोति, रोने लगता है, जैसे शेर उसको खाने के लिए आता है तो वो जो खरगोश है वह रोने लगता है। सिंह शशम पृच्छति, शेर खरगोश से पूछता है, क्या पूछता है, अये भवान किमर्थम रोदनम करोति, आप किमर्थम किस लिए रोदनम करोति, रुदन करते हो, खरगोश को पूछ रहा है शेर, भाई किस लिए रो रहे हो। तो शशह वदति, खरगोश बोलता है, महाराज वने एक अन्य सिंह अस्ति, महाराज वन में अर्थात जंगल में एक अन्य सिंह अस्ति, एक अन्य सिंह, एक दूसरा शेर है। सह मम पुत्रान खादितवान, उसने, उस शेर ने मम पुत्रान, मेरे पुत्रों को खादितवान, खा लिया है। अतः अहम रोदनम करोति, इसलिए मैं रुदन करता हूँ, इसलिए मैं रो रहा हूँ। तो उसने क्या बताया कारण, जो जंगल में एक दूसरा शेर भी रहता है और उसने मेरे पुत्रों को खा लिया है, मेरे पुत्रों को मार दिया है, इसलिए मैं रो रहा हूँ। तो सिंह शेर कह रहा है, कुत्र अस्ति स अन्य सिंह, कुत्र अस्ति, कहाँ है सह, वह अन्य सिंह है, दूसरा शेर, वह दूसरा शेर कहाँ है। अब शेर को बड़ा गुस्सा आया कि भाई मेरे रहते हुए जंगल में दूसरा शेर कौन आ गया जो पशुओं को मारकर खा रहा है। तो वो पूछता है कि कहाँ है वह दूसरा शेर। तो खरगोश कह रहा है, समीपे एव एकः कूपः अस्ति, समीपे एव पास में, एव ही पास में ही एकः कूपः अस्ति, एक कुआ है, पास में ही एक कुआ है। सः तत्र निवासं करोति, वह वहां निवास करता है, वह वहां रहता है। तो सिंह शेर कह रहा है, अहम तत्र गत्वा पश्यामि, अहम मैं तत्र गत्वा वहां जाकर
पश्यामि देखता हूँ, मैं वहां जाकर देखता हूँ। तम सिंहम मारयामि, और उस शेर को, तम सिंहम उस शेर को मारयामि, मारता हूँ। तो शस्य कह रहा है, महाराज आगच्छतु अहम तम दर्शयामि। वो कह रहा है, हे महाराज आगच्छतु, आओ मेरे साथ आओ, अहम मैं तम उसको, उस दूसरे शेर को दर्शयामी, दिखाता हूँ। आप मेरे साथ चलो, मैं दिखाता हूँ कि वो दूसरा शेर कहाँ है। ससह सिंहम कूपस्य समीपम नयति। ससह मतलब खरगोश, सिंहम शेर को कूपस्य समीपम कुएं के पास, नयति ले जाता है। तो जो खरगोश है वो शेर को अपने साथ ले जाता है कहाँ, कुएं के पास। कूप जलम दर्शयति, सिंह तत्र स्वप्रतिबिंबम पश्यति। कूप जलम दर्शयति, पानी के जल को देखते हुए सिंह शेर को, शेर ने तत्र वहां स्वप्रतिबिंबम पश्यति, अपना प्रतिबिंब देखा। जैसे हम लोग शीशे में देखते हैं तो हमें हमारा ही चित्र दिखाई देता है, तो जल में जब उसने, शेर ने देखा कुएं के, तो उसने अपना ही प्रतिबिंब यानी शेर का ही जो चित्र था वो उसे जल में दिखाई दिया। सह कोपेन गर्जनम करोति, वह क्रोध से, कोपेन क्रोध से गर्जनम करोति, गर्जन करता है यानी दहाड़ता है। कूपात प्रतिध्वनि भवति, कूपात कुएं से प्रतिध्वनि, उसी की ही ध्वनि, उसी का ही साउंड जो है वो वापस लौट के आता है दहाड़ने का। तो तम अन्य सिंह इति सह चिंतयति। तो उसने सोचा, तम वो जो है, जो दहाड़ने की आवाज आई है प्रतिध्वनि के रूप में, वो अन्य सिंह है, दूसरा शेर है, इति सह चिंतयति, ऐसा उसने सोचा शेर ने, कि भाई दूसरे शेर ने जो है मुझे ललकारा है। कुपितः सिंह कूपे कूर्दनम करोति, कुपितः क्रोधित हुआ सिंह शेर कूपे कुएं में कूर्दनम करोति, कूद जाता है। वो जो शेर को बहुत गुस्सा हुआ, जब प्रतिध्वनि आई उसे लगा कि उधर से भी वो शेर दहाड़ रहा है, तो वो गुस्से में जो है कुएं में कूद जाता है। सह वह तत्र एव वहां ही मृतः भवति, मर जाता है, कुएं में डूबकर मर जाता है। एवं शशह स्वचातुर्येण आत्मरक्षणम करोति। एवं इस प्रकार शशह खरगोश ने जो है वो स्वचातुर्येण अपनी चतुरता से, अपनी चालाकी से आत्मरक्षणम करोति, अपने आप की रक्षा कर ली। तो ये हमने चतुर शशह इस पाठ का हमने अध्ययन किया, और इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है भैया बहनों, कि बेशक हम, हमारे जीवन में कोई बड़े काम हो, कोई बड़ी परेशानी हो, मुसीबत हो, लेकिन हम यदि थोड़ा सा चिंतन करके, अच्छी प्रकार सोच विचार करके उस कार्य को करें, तो हम बड़ी से बड़ी मुसीबत से भी आसानी से हम उसको, उस पर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो इस पाठ की हिंदी आप अच्छे से पढ़ें, समझें। आगे की वीडियो में इस पाठ का हम अभ्यास कार्य करेंगे। धन्यवाद।